नमस्ते, मैं हूँ पाल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कुछ और ट्वीट्स के बारे में जो मैंने ऑब्वियसली कल मिस कर लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही मुझे पता चला कि उसने मुझे ब्लॉक किया है, मैंने भी उसको ब्लॉक कर दिया था। कौन वो? जो रियलिटी शो वाली मुस्लिम आंटी जो अपने आप को बहुत बड़ी स्ट्रांग फेमिनिस्ट बोलती है। जी हाँ, वो आंटी ने कोई दो तीन और ट्वीट किए थे एंड बिकॉज वो ट्वीट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हुए थे एंड आई विल नॉट टेक हर शिट लाइंग डाउन। आई एम गोइंग टू कॉल आउट दोज ट्वीट्स और आपको खुद डिसाइड करना है कि वो कितनी बड़ी नकली फेमिनिस्ट है, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। उसने सबसे पहले बोला कि आई हैव नो राइट टू रिमूव द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री कैन नॉट बी थ्रोन आउट। तो आंटी को सबसे पहले मुझे लगता है इंग्लिश भी समझ नहीं आती, स्कूल वूल गई नहीं होगी, बस बचपन से ही मेकअप करती रही होगी मॉडल बनने के लिए। मैंने बोला था द सिटीजन्स ऑफ कश्मीर, जो आज की तारीख में कश्मीरी मुस्लिम्स है, उनको आप रिहैबिटेट करो इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। मगर पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जो होते हैं ना इस इंडस्ट्री के अंदर, वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी टाइप कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर नफरत भरी हुई है, उनके अंदर जिहादीपंथी भरा हुआ है, वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करते हैं। इनफैक्ट उसका रियल सेल्फ हम सबने देखा था बिग बॉस 7 में, जहां पे सब लोग उसको नागिन बोलते थे। बाहर आने के बाद उसकी इतनी मिट्टी प्लीत हुई थी कि उसने एक्चुअली एक लोकल जूनियर आर्टिस्ट को हायर किया था, जो ऑब्वियसली उसने खुद घुसाया था एक रियलिटी शो कॉन्टेस्ट के अंदर, जहां पे वो होस्ट कर रही थी छोटे छोटे कपड़े पहन के, और बोला था वो जूनियर आर्टिस्ट को कि तू मुझे सबके सामने थप्पड़ मार और ये बोल कि इस्लाम के अंदर विमेन आर नॉट अलाउड टू वेयर छोटा कपड़ा, और इसके बेसिस पे मुझे सिंपथी मिलेगी लोगों के थ्रू। शी एक्चुअली सोल्ड हर रिलीजन टू गेट सिंपथी बिकॉज बिग बॉस के बाद उसकी इतनी मिट्टी प्लीत हो गई थी। सो दिस इज द रियलिटी शो मुस्लिम आंटी जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती है इंडिया के अंदर। ऑब्वियसली शी ट्राइड टू टारगेट मी, बट जैसे मैंने आप सबको पहले बोला है, आई एम नॉट संग्राम जी, आई विल नॉट टेक योर शिट लाइंग डाउन, इफ यू स्लैप मी आई विल स्लैप यू बैक। इसके अलावा उसने ऑब्वियसली इंडोर्स किया है टू दोज विमेन हु वॉन्ट टू वेयर हिजाब। ये वही लड़की है जो ऑब्वियसली यू टर्न ले गई बाय कंडेमिंग द फैक्ट दैट इस्लाम के अंदर एक आदमी ने उसको थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि वो छोटे कपड़े पहन के होस्ट करती है। तो अब कहती है कि शी रिस्पेक्ट्स द विमेन हु वांट टू वेयर हिजाब। अच्छी बात है, आप रिस्पेक्ट करिए वो विमेन को जिनको हिजाब पहनना है, मगर उन जो विमेन को हिजाब नहीं पहनना उनके लिए आप खड़ी हैं, क्योंकि आपको शायद पता नहीं इस्लामिक ईरान के अंदर देयर आर लॉट ऑफ विमेन जिनको हिजाब नहीं पहनना, क्योंकि वहां पर रूल है कि हिजाब पहने बिना आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर आप दिखाई दिए गए तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट आप रोड के ऊपर डांस नहीं कर सकते। तो क्या आप फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया, सो कॉल्ड नकली फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया, जो हरदम खड़ी हो जाती है व्हेन देयर आर एनी इश्यूज रिलेटेड टू हिंदूइज्म और हिंदू रिचुअल्स, प्ले कार्ड लेके रेप इन देवस्थान या सबरीमाला इशू या सती का इशू, बट आप अपने धर्म के अंदर अपनी वो लेडीज को सपोर्ट करती है जिनको हिजाब नहीं पहनना, उनके लिए कभी आपने टिप्पणी करी है? नहीं, आपको तो सबरीमाला में पड़ी है ना, सबरीमाला में एंटर करने का बहुत उत्सुकता है। सो दिस इज वॉट यू आर, दिस इज वॉट आई विल कॉल यू आउट बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन रनिंग डाउन हिंदूइज्म एंड गिव दिस गार्ब अबाउट बींग सेक्युलर, जब आप खुद कितने जिहादी इस्लामिस्ट मेंटेलिटी रखते हैं। रही बात इसकी कि मैंने सुना है आपने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड जो ऑब्वियसली आपने रखा था इन बिग बॉस टू गेट टीआरपी एज पर एवरीबडी, आई एम नोबडी टू से बट दैट इज व्हाट द पीपल सेड, आपने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी इनटू इस्लाम एंड बिकॉज ही डिड नॉट कन्वर्ट योर रिलेशनशिप एंडेड। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑनलाइन इन अ पब्लिक डोमेन बाय अ राइटर फ्रॉम बॉम्बे टाइम्स कॉल्ड एज नेहा महेश्वरी। सो आई एम जस्ट कोटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप इनफैक्ट अपने लव में भी अपने पार्टनर को कन्वर्ट करना चाहती थी, आप तो इतनी बड़ी जिहादी है, आप फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कर सकती, तो आपने इनफैक्ट लव जिहाद करने की कोशिश करी ओवर द मैन whom you said left you, dumped you and you played the victim card. ये तो आपका पुराना फैशन है ना, आप कभी जब अपनी बात अपने हिसाब से नहीं बनती तो बेचारी बन जाती है, अपने हिसाब से बात बन जाती है तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग वुमन करके प्रमोट करती है और बोलती है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। इसके अलावा क्या आपको पता है कि मैंने एक वीडियो देखा कि अफगानिस्तान के अंदर दो विमेन को तालिबान विप कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो म्यूजिक सुन रहे थे एज पर शारिया लॉ, और ये वीडियो शेयर किया गया है बाय नूर बादशाह एंड वो हमारे वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पे है। तो ये इशू के ऊपर भी कभी आपने ट्वीट किया है? क्योंकि आपने मुझे टैग किया ना जब मैंने खाली इतना बोला कि कश्मीरी मुस्लिम्स को आप
बाकी स्टेट्स में रिहैबिटेट कर लो, मगर आप तो पढ़े लिखे अनपढ़ है, आपको तो इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती क्योंकि आप तो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हो। क्यों आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हो? क्योंकि आप वो जिहादी मुस्लिम हो जो इंडिया के अंदर रह गए, दोज वन थर्ड जिहादी मुस्लिम जो ऑब्वियसली इंडिया को इस्लामिक बनाना चाहते हैं। आप कहना चाहते हो कि वो 90% मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम जो मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, वो मुझे कैसे टॉलरेट करते? वो मुझे इसलिए टॉलरेट करते क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं, और मैं भी उनको इसलिए टॉलरेट करती हूँ क्योंकि मैं भी उनको पसंद करती हूँ। हम लोगों के बीच में कुछ ड्रामा नहीं है तुम्हारी तरह। एंड आई टॉक अबाउट टेररिज्म, आई टॉक अबाउट माय धर्म, आई डोंट टॉक अबाउट यू नो बीलिटलिंग दोज पीपल हु हैव नथिंग टू डू टू हार्म मी एंड माय रिलीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिटवीन टेररिस्ट एंड इंडियन मुस्लिम? कि बिकॉज यू आर अ जिहादी, यू थिंक दैट एवरी इंडियन मुस्लिम इज अ जिहादी लाइक यू। इसके अलावा ऑब्वियसली मैंने एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अरब एक यू नो इन तारिक फतेह करके एक इंसान है, उसने एक वीडियो शेयर किया है कि कैसे एक अरब वुमन जस्टिफाई कर रही है कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज ओके। वो कह रही है कि अगर उसकी बच्चियां होती है लाइफ में तो वो अपनी लड़कियों को सब्जेक्ट करेगी टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ हर ट्रेडिशन। जैसे हिजाब इज अ पार्ट ऑफ हर ट्रेडिशन, वैसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज अ पार्ट ऑफ हर ट्रेडिशन। तो गोहर आंटी, यानी जो फेमस थी एज गोबर आंटी ड्यूरिंग बिग बॉस 7, आई एम जस्ट पिकिंग अप द पब्लिक ओपिनियन एंड हाउ यू वर कॉल्ड, उफ नागिन, आप क्या अपने बच्चियों को सब्जेक्ट करेंगी टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन? क्योंकि दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशन, जस्ट लाइक हिजाब इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशन बिकॉज यू हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग हिजाब नाउ आफ्टर टेकिंग अ यू टर्न एंड डूइंग द ड्रामा विच यू ट्राइड टू डू पोस्ट बिग बॉस दैट ओ माई गॉड इस्लाम में है ना छोटे कपड़े पहनने नहीं देते। ये आपने एक्चुअली ड्रामा किया ऑन योर रिलीजन एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू यू नो पोर्ट्रे योर सेल्फ टू बी अ वेरी मच इन लव विद योर रिलीजन एंड अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ इस्लाम। सो डोंट डू दिस ड्रामा विद मी एंड डोंट ट्राई टू एवर टैग मी एंड टॉक टू मी बिकॉज आप जैसे लोगों के साथ तो मैं बात भी नहीं करूं, बट बिकॉज यू हैव बीन गेटिंग अवे विद स्पिटिंग वेनम एवरी टाइम यू हैव ट्राइड टू टारगेट एवरीबडी इन दैट स्टूपिड रियलिटी शो बिग बॉस। यू थिंक यू कैन डू दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो? बिग बॉस बहुत छोटा शो था, वो शो और मेरे साथ मेरे थॉट प्रोसेस और मेरी लाइफ को कंपेयर मत करना। यू कांट गेट अवे बाय स्पिटिंग शिट एंड योर वेनम ऑन मी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन, आई एम गोइंग टू गिव इट बैक टू यू। तो ऑब्वियसली उसके ये तीन ट्वीट्स थे जो मैं मिस कर गई थी एंड आई हैड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू कि कैसे वो ऑब्वियसली सपोर्ट करती है हिजाब पहनने वाली औरतों को, बट वो शायद नहीं सपोर्ट करती उन लेडीज को जिनको हिजाब नहीं पहनना। कैसे वो ऑब्वियसली सपोर्ट करती है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को, शायद बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हर रिलीजियस आइडियोलॉजी। आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस। एंड हाउ शी वॉन्टेड हर बॉयफ्रेंड who himself has quoted to a journalist in Times of India that she wanted him to get converted to Islam and because he could not do that, they called off the relationship. So this is an example of love jihad. Gauhar Khan of Gobar Khan is an example of love jihad in 2019. Have a great day and a great life.